ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन की। रिसर्च मेथड, रिसर्च जब करते हैं, जब सोशियोलॉजी में रिसर्च होगी तो डाटा कलेक्ट करना होगा। तो डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी कई टाइप हैं, उसमें से एक टाइप है कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं, सिचुएशन कंट्रोल कर ली जाती है, फिर उस सिचुएशन में देखा जाता है कि बिहेवियर कैसा है। मतलब ये सब चीज़ें कंट्रोल वे में होती हैं, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सब कुछ कंट्रोल वे में करते हैं, और अनकंट्रोल या नॉन कंट्रोल जो सिचुएशंस हैं ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ भी नहीं किया जाता, बस नेचुरल सेटिंग में जो अभी जैसे जैसे कि क्लास में चले गए तो वहाँ जाके बस ऑब्जर्व कर लेना है, जैसा एक्चुअल में है वो ऑब्जर्व करना है। तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर एक्टिवली मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल द वेरिएबल्स। ऑब्जर्वर वो है जो नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोगों का बिहेवियर है उसे वो मैनिपुलेट कर रहा है इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ जो भी फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को, उन्हें मैनेज करना है। मतलब इन्वायरमेंट हम खुद बना रहे हैं, सिचुएशन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। किस लिए? टू ऑब्जर्व हाउ दी चेंज अफेक्ट द बिहेवियर बींग स्टडीड। मतलब जो हमने चेंज लेके आए हैं उन चेंज का इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यही तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है। सिचुएशन हमने दी, इस सिचुएशन में सामने वाला क्या बिहेव करेगा, किस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा, तो ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। इसमें करता क्या है रिसर्चर, इसमें रिसर्चर करता है मैनिपुलेट वन और मोर वेरिएबल वाइल कीपिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट। देखो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाती, कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी रखी जाती हैं। डाटा कलेक्शन बाई इजी मेथड लाइक वीडियो कैमरा से भी किया जा सकता है। इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या है? इजी टू रिप्लिकेट, इसे कॉपी करना मतलब रिपीट करना आसान है, क्योंकि सिचुएशन हमने कंट्रोल की है तो दोबारा कर देंगे तो बिहेवियर ऐसा ही आ जाएगा। चांसेस के हैं, दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये मेथड अच्छा किसके लिए? काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। मतलब किस सिचुएशन में हम चेंज कर दें तो इफेक्ट उसका क्या होगा, मतलब एक जगह हमने अगर चेंज किया तो दूसरी जगह उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो हम खेलने पर ज़्यादा टाइम दे रहे तो हमारी पढ़ाई के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ाई ज़्यादा कर रहे तो उसके रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करनी हो तो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एक तरीका है, बट इसे कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हमने तो सब चीज़ सिचुएशन कंट्रोल कर ली, तो इससे ये इट माइट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब लोग इंडिविजुअल्स हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। एक्चुअल में वो जैसे रिएक्ट करते अब कंट्रोल सिचुएशन में शायद वो वैसा रिएक्ट ना करें, तो इन्फ्लुएंस हो सकता है। रिजल्ट मे नॉट जनरलाइज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। जो रिजल्ट इस स्टडी से मिलेगा, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, वो हो सकता है हम जनरलाइज ना कर सकें, मतलब हर जगह उसे लागू ना कर सकें, ये हो सकता है। सेकंड है नॉन कंट्रोल्ड। नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है, इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन ए नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। मतलब जैसा सिचुएशन है उसी सिचुएशन में ऑब्जर्व करना बिहेवियर कैसा होगा। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग सच है, जैसे कि स्कूल है या वर्क प्लेस है। स्कूल में बच्चों का बिहेवियर कैसा है जाके देख लो, उनके बीच जाकर बैठ जाओ और देख लो। तो ये नॉन कंट्रोल, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ का चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो। स्कूल में चले जाओ, किसी ऑफिस में जैसे जाना हो, तो ये मतलब वहाँ कुछ नहीं चेंज करना, बस तुम गए हो और ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं इस मेथड के। एडवांटेज क्या है? रिजल्ट आर मोर लाइकली टू बी जनरलाइज इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। जो रिजल्ट इस स्टडी से आएगा वो जनरलाइज ही होगा, मतलब हर जगह लगभग ऐसा ही होगा, हर जगह हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिचुएशन हमने कंट्रोल कुछ नहीं की है, जैसा होता है बस वैसा ही है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस स्टडी का वो अप्लाई हो सकता है दूसरी प्लेस पर भी। दिस मेथड प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ कुछ भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसी नेचुरल सेटिंग है उसमें सब स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टडी है इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे, क्योंकि हम हर पर्सपेक्टिव को देखेंगे। कंट्रोल्ड में तो हम किसी एक पर्सपेक्टिव को देखेंगे, नॉन कंट्रोल में हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे। डिसएडवांटेज भी हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट। हम इसमें कोई सिचुएशन नहीं दी है तो इसे रिप्लिकेट करना भी मुश्किल काम होगा, ज़रूरी तो नहीं है नेचुरल सेटिंग में सब एक जैसा रिजल्ट आ जाए। एंड ऑब्जर्वर कैन बी बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये जो स्टडी है नॉन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की, ये सारी डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर या रिसर्चर के ऊपर, क्योंकि उसे ही कंक्लूजन निकालना है, उसे रिजल्ट निकालना है कि इसका
इसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा उसे ही करना है, तो उसमें वो बायस हो सकता है, उसकी जितनी सोच ना समझना जो भी उसकी नॉलेज है उससे वो चीज़ें अफेक्टेड हो सकती हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वर के ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं।